हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रियंका सिंह अपने यूट्यूब चैनल विजय प्रिया फैमिली ब्लॉग्स में आप सभी का वेलकम करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग में शाम के इस टाइम 9:30 बज रहा है, तब से मैं कर रही हूँ। आज ना पूड़ी बनाते बनाते मेरा बन गया बज गया 9:30। अभी जस्ट पापा खा कर गए हैं, तो थोड़ा सा रह गया था बनाने के लिए। मुझे जितना खाना है कुछ एक्स्ट्रा है, तो मैंने 2 पूड़ियाँ ले ली हैं और थोड़ा सा बच्ची प्राण से छोड़ दी थी वो है, और ये टमाटर की चटनी मैं इसी से खाने वाली हूँ। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं आसान से ही करती हूँ, फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, मतलब कल सुबह, या फिर अगर कुछ करती हूँ सिलाई तो मिलूंगी, नहीं तो फिर अभी तो बहुत तेज नींद आ रही है, एकदम सुबह से लगी हूँ। हे गाइस, वेलकम। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहे हैं 7:00 बज रहा है। आज प्रांसी को मैं स्कूल नहीं भेजूंगी क्योंकि कल से उसका एग्जाम है, तो आज घर पे मैं तैयारी करवा दूंगी सारे सब्जेक्ट की। वैसे आता है सब कुछ, लेकिन एग्जाम के 1-2 दिन पहले अगर कुछ समझा दो बच्चे को ना, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। बहुत जल्दी वो सब ऑब्जर्व कर लेते हैं, अच्छे से लिखते हैं, समझ में आ जाता है उनको। तो बस वही है, आज मैं प्रांसी को सारा जितना भी चैप्टर है आने वाला वो सारा फिर से रिविजन करवा दूंगी, तो उसका कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी देखिए, यहाँ पे मैंने बादाम रख दिया है कढ़ाई में, लाइट आएगी तो मैं इस पर ही इसको भून लूँगी अच्छे से। पापा सुबह सुबह कभी कभी जैसे नाश्ता नहीं रहता ना, तो वो सुबह वही बादाम ही खा लेते हैं। मूंगफली है, हम लोगों की आदत है बादाम खाने की, तो वो मूंगफली है, मैं उसे भून लूँगी। और उसके बाद तो आज मैं कुछ बनाऊँगी नहीं। यहाँ पर देखिए, कद्दू था, पम्पकिन जिसको बोलते हैं, तो वो काट कर डाल दिया गया, बहुत ही छोटा छोटा था, वो किसी ने दिया था खाने लायक था नहीं, इसकी सब्जी भी अच्छी नहीं लगती। अभी देखिए, ये पूरी रखा हुआ है, कल का है, इसे मैं फिर से तेल से मतलब कढ़ाई में फ्राई करूँगी ना, तो वो गर्म हो जाएगा तो खा लूँगी। अभी इसमें भी मसाला है कल का, देखिए ये जो मटर का मैं मसाला बनाई थी ना पूरी भरने के लिए, वो भी बचा हुआ है। तो क्या है कि मुझे खाना बनाने का ज़्यादा टेंशन नहीं है, प्रांसी को स्कूल भी नहीं भेजना है, अभी दोनों बच्चे सोए हुए हैं, तो देखती हूँ। अभी मैं जल्दी से इधर थोड़े बहुत बर्तन धोने हैं, मेरे कपड़े धोने हैं क्योंकि मैं नहा चुकी हूँ, तो नहाने के पहले मैं कपड़े नहीं धो पाती क्योंकि मुझे जल्दी से नहा कर निकलना होता है, बाबू जाग जाता है ना तो कुछ काम नहीं करने देता, इसकी वजह से पहले मैं नहाना कंप्लीट करती हूँ, आधे 10-20 मिनट जो भी लगता है पहले मैं नहा के हट जाती हूँ, फिर कपड़े वगैरह जो भी होता है एक्स्ट्रा, मैं बच्चों के साथ जितना बच्चों का होता है सब एक साथ धोती हूँ। तो आज का ब्लॉग पूरा देखिएगा। आज मैं जो नाइटी कटिंग की थी ना वो सिलूंगी, ये नाइटी बिल्कुल फट गई है, ऊपर से यहाँ से खुल गया है, पीछे की साइड से खुल गया है, सिर्फ शोल्डर ज्वाइंट है, और गला भी फट गया है, यहाँ से गला पे एकदम मतलब फट गया है, बेकार हो गया है। और छत भी मेरा झाड़ू लगाना है, बहुत गंदा हो गया है, ये सब तिल्ली की जो डंठल होती है ना वो सब फेंक दिए है छत पे बाबू। तो गाइज, अभी क्या है कि मम्मी भी बोल रही थी कि मेरा मन नहीं लग रहा है, और वहाँ से एकदम मतलब ऐसा है ना कि अभी गई हैं तो एक ही जगह उनको रहना है, बच्ची को देखभाल करना है उन्हीं को, भाभी का ऑपरेशन हुआ है तो थोड़ा सा मतलब देखभाल तो करना ही होगा उनका, कहीं ना निकलना होता है, सिर्फ घर में ही पैक रहती हैं, इसकी वजह से उन्हें थोड़ा सा अजीब सा लगता है, एकदम जैसा लगता है पूरा बाउंडेशन में है, एकदम कहीं नहीं आना जाना, इसकी वजह से उनका मन भी नहीं लगता। आप वहाँ पे बोल रही थी कि जल्दी ही आऊँगी, देखिए 1 दिसंबर में शायद आ जाएंगी, अगर वो आ जाएंगी तो फिर तो बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि इस टाइम ठंडी का मौसम है और थोड़ा बहुत हेल्प करा देती है ना, तो मैं थोड़ा जल्दी खाली हो जाती हूँ और मैं कुछ सिलाई भी कर पाती हूँ। अभी मुझे 22 दिसंबर को देना है कपड़ा, और वो मैंने लिया है, 10 दिन हो गया अभी तक सूट नहीं सिला है, तो अभी मैं बहुत सारे कपड़े काट काट कर ऐसा हुआ कि रखी हूँ और सिल नहीं पा रही हूँ, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है मुझे, और बच्चे इस टाइम सर्दियों में ना इनकी केयर इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि मैं क्या ही बताऊँ, सबसे पहले इनको ही देखना होता है, उनके साथ साथ खुद को भी देखना है, अगर मैं बीमार पड़ जाऊंगी तो कौन देखेगा। तो फ्रेंड्स, सर्दियों में क्या है कि हर हाउसवाइफ का यही रूटीन है, जिनके पास बच्चे हैं ना तो वो तो पूरा दिन रात निकाल देंगी, पूरा टाइम निकालने के लिए सोचेंगी कि मैं ये काम फटाफट करने के बाद वो करूँगी, तो कुछ नहीं हो पाता यार, मैं देख चुकी हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि जब बच्चे सो जाते हैं तो आप जब सोने का टाइम होता है उसमें से 1 घंटे आप निकाल सकती हैं, अपना जो होता है मेन जो आपको सोने के लिए मिलता है उसमें से आप 1 घंटा ज़रूर निकालें और अपना काम करें। तो फिर देखिए, यहाँ पे मैंने एक बनाया है, ये अभी सिल रही हूँ, पीछे का पल्ला है, इसमें मैं बना रही हूँ फ्रिल लगा रही हूँ क्योंकि इसकी लंबाई ऐसे सेम 1 पीस है ना, तो पूरा कम पड़ रहा था नीचे से, इसकी जो लेंथ थी वो कम थी, तो इसकी वजह से मैंने इसमें फ्रिल लगा दिया, ये काफ़ी अच्छा भी लगेगा, इसका लुक चेंज हो जाएगा। तो ये नाइटी ना बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी और बहुत ही सिंपल तरीके से इसकी कटिंग हुई है और सिलाई भी बहुत ही आसान है। अगर आप लोग इसकी सिलाई देखना चाहेंगी ना तो कमेंट करके बताना, मैं इसकी सिलाई पूरा शेयर करूँगी।
क्योंकि इसकी कटिंग स्टिचिंग मैं सिलाई वाले चैनल पे पूरा अपलोड कर रही हूँ, तो अगर आप लोगों का कमेंट आया तो फिर मैं इस चैनल पे भी मैं शेयर करूँगी। तो आप लोग भी इस तरह से बना सकती हैं कम कपड़ों में, और अपने मन के हिसाब से आप बनाएंगी जैसा आपको पहनना हो, देखने में अच्छा लगता हो आपको, उस टाइप से बना सकती हैं। वरना नाइटी तो बहुत सारी होती हैं, मतलब कंफर्टेबल रहती है लेकिन देखने में बहुत ही अजीब अजीब लगता है, बहुत सारे लोग पहनते हैं बट मुझे अच्छा नहीं लगता कि एकदम अजीब सा जैसे बोरा टाइप पहन लो और घूमते रहो घर में, एकदम बेकार लगता है देखने में। पहनना ही है ढीला ढाला, कोई फ्रॉक जैसा बना लो, गाउन जैसा बना लो, थोड़ा सा अच्छा भी लगे देखने में भी, कोई आ भी जाए तो आपको थोड़ा सा एकदम बेकार ना लगे कि मैंने क्या पहन रखा है। तो इसी तरह से मैं बना रही हूँ, कोई आता जाता भी है तो बुरा नहीं लगता कि देखने में क्या पहनी है, ना ही वो सूट जैसा लगता है और ना ही वो नाइटी जैसा लगता है, वो अलग ही लगता है, देखने में अच्छा लगता है बस। तो आप लोग भी इस तरह से कर सकती हैं। तो अभी हमारे यहाँ मटर टूट रहा है तो हस्बैंड पापा भी खेतों में ही लगे रहते हैं, मैं दोनों बच्चे संभाल रही हूँ, प्रांसी का एग्ज़ाम चल रहा है इस टाइम, तो फिर उनको भी थोड़ा सा टाइम देना हो रहा है। ये वीडियो मैंने 3 दिन पहले की है, मैं वॉइस ओवर आज कर रही हूँ, अपलोड भी आज ही करूँगी क्योंकि 2 दिन इधर गैप हो गया था और मेरे फ़ोन का रिचार्ज भी आज ख़त्म हो गया था, अभी डलवाया, तो मैंने सोचा जस्ट अभी इसे अपलोड कर देती हूँ। बाबू सोया है, प्रांसी कोचिंग से आने के बाद गई खेलने, तो खेल कर आ गई है, देखिए यहाँ पे वो सब वो खेलने गई थी, ये खेल कर फिर आ गई थी यहाँ पे जब तक मैं सिलाई कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए ये पूरा पीछे का पल्ला रेडी हो गया है, सेम ऐसे ही मैं आगे का पल्ला भी रेडी करूँगी, उसमें क्या है आगे गला रहेगा और आगे पूरा जो कट रहता है गला थोड़ा सा बड़ा हो जाता है आगे, वही मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए प्रांशु के पापा आ गए थे और बोल रहे थे मेरे लिए चाय बना दो, तो चाय बना हुआ था, मैं उनको गर्म करके दे दूंगी। और मैंने आज कुछ सामान मंगाया था जैसे आलू हो गया, रिफाइन, कुछ चीनी वगैरह, ये सब खत्म हो गया था, बहुत सारा सामान मैंने इकट्ठा ही मंगाती हूँ, लेकिन कभी कभी कोई सामान होता है ना जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है, रोज यूज होता है सुबह शाम तो वो ख़त्म हो जाता है। तो ये देखिए गाय के लिए आया है रस्सी, हमारे यहाँ यूपी में इसको पगहा बोलते हैं, यहाँ पे मैंने सूजी मंगा लिया था टिफिन बनाने के लिए बच्ची को, और कभी कभी नाश्ता भी हो जाता है। यहाँ पे अदरक भी खत्म हो गई थी चाय में डालने के लिए, आलू आया हुआ है नया, इसमें मिट्टी सारी लगी है तो इसको मैं धोकर ही रखूंगी, और ये प्लास्टिक का सामान लाकर पटक दिए थे, ये पूरा फट गया था यहाँ पे, तो अब ये बेकार हो गया है। पहले मैं चीनी पलट लेती हूँ, ये सूजी मैं देख रही थी कहीं कभी कभी एक्सपायर होता है ना, दे देते हैं दुकानदार, कभी ना ध्यान दो तो आ जाता है घर पे, फिर से वापस करना होता है, तो वही मैं चेक कर रही थी कहीं एक्सपायरी वाला तो नहीं दे दिए हैं। देखने में इसका पैकेट बहुत ही पुराना सा लग रहा था लेकिन ठीक था, अभी 2025 तक चलेगा, तो उसको मैंने रख लिया है। और यहाँ पर चीनी मैं डब्बे में भर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, मैं डेली वीडियो शेयर करती हूँ आप लोगों को। कभी कभी गैप होता है, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है घर में या बिल्कुल टाइम नहीं मिलता तो थोड़ा सा गैप हो जाता है, लेकिन कोई नहीं, मैं आज का ब्लॉग बस इतना ही, मैं आप लोगों से फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।